Assalamu alaikum, this is Nadia Hussain. Welcome to my YouTube channel. Guys, today I thought कि आप लोग कुछ different सी video दिखाते हैं, कुछ अलग सा content मैं आपके साथ share करना चाहती हूँ. तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को अपने pets के बारे में. तो ये है मेरी पर्शियन कैट जिनका नाम है फ्लफी, और ये एक फीमेल पर्शियन कैट हैं और बहुत ही ये सुस्त हैं. और पिछले 7 साल से तो मेरे पास हैं ये, और बहुत सुस्त हैं ये, और बस इनको कडलिंग चाहिए होती है और इनको बस यू नो लाइक बस सोती रहती है पूरा दिन. ये उनको खाना चाहिए होता है, सोती रहती है. तो जब तक कि मेरे पास है, फिर हम चलते हैं मेरी बर्ड्स की तरफ. आइए. ओके गाइस, ये है मेरी बर्ड्स, और हम लोगों ने ज़्यादातर पैरकीट्स रखे हुए हैं, छोटे से पैरट्स रखे हुए हैं. और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पैरट्स नहीं हैं, लेकिन पैरकीट्स हैं और पैरट्स हैं. और कुछ जो हैं वो एक्चुअली अभी अपने जो ये छोटे छोटे मटके हैं उनमें घुसी हुई हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो आप बाहर भी देख सकते हैं. तो अब चल के देखते हैं और कौन से पैरट्स हैं. ओके, अब आपने मेरी बिल्ली देख ली, आपने बर्ड्स देख ली, अब हम चलते हैं. यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा फिश पॉन्ड है जहाँ पे ये मछलियाँ हैं, और यहाँ पे आप ये मछलियाँ देख सकते हैं. ये है मेरी मछलियाँ, और इनका जो है वो काफ़ी ख्याल करना पड़ता है as far as the water is concerned, you know, काफ़ी पानी में जो है वो हमें इसका हर वीकली बेसिस पे जो है पानी इनका साफ होता है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मछली में जो है वो उनको यू नो लाइक सही रखने में हमें यू नो केयर करना पड़ता है. तो इसके अंदर कुछ बड़ी मछलियाँ थी जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 10 साल तक थी, लेकिन अब जो है वो 10 साल के बाद मर गई वो मछलियाँ, लेकिन 10 साल तक वो जिंदा थी और अब वो मर गई हैं. लेकिन तो हम लोगों ने उसी नस्ल की और मछलियाँ ली हैं ताकि अब वो भी जो है वो इतनी बड़ी हो जाए, क्योंकि वो मछलियाँ अच्छी खासी बड़ी थी, तो वो खा खा के जो है वो बड़ी हो गई, और यू नो फिर इवेंचुअली वन डे दे डाइड. सो दीज वर माय फिश. तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि और कौन से पेट्स. ओके जी, अब हम बाहर आ गए हैं मेरे गार्डन में, गार्डन की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं और पेट्स. ओके गाइस, अब हम गार्डन में आ गए हैं, और मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं पैच पेपर. कम हियर, कम हियर, कम हियर पेपर, कम हियर. ये है मेरे जो सबसे आई वुड से उम्र में बड़े कुत्ते, ये ऑलमोस्ट 13 साल के कुत्ते हैं, और ये है पैच जो कि एक मेल है, ये है टीका पूडल, और ये है पेपर जो कि है एक शिट्सु, और काफ़ी उम्र में ये बड़े हो चुके हैं. इनकी उम्र 13 साल है ह्यूमन ईयर्स में, तो डॉगी ईयर्स जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं बाय अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 6 और 9, एंड सो दे आर लाइक अबव 90 ईयर्स ऑफ एज इन डॉगी ईयर्स. तो ह्यूमन ईयर्स में ये 13 साल के हैं, तो ये मेरे सबसे जो है ना बुढ़े कुत्ते हैं, और माशाल्लाह दोनों अभी तक हेल्दी हैं, और दोनों जो हैं वो अभी तक यू नो दे आर वेरी मच अलाइव एंड किकिंग. एंड सो यस, दीज आर द सीनियर डॉग्स दैट आई हैव. तो ये आप लोगों ने देखा है, ये है पैच, और अब जो है ये काफ़ी जिसे कहते हैं ना खड़ूस से भी हो गए हैं, और इनको अब सांस की बीमारी हो गई है, इनको दिल की बीमारी हो गई है, इनको जो है वो लिवर की प्रॉब्लम हो चुकी है, और यू नो आप देख सकते हैं कि आंखों में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बट अदरवाइज दे आर माशाल्लाह वेरी हेल्दी, दे आर वेरी एक्टिव, और खेलते कूदते रहते हैं हर वक्त. आज इन लोगों को नहलाया भी था. सो ये है मेरे
सबसे सीनियर डॉग्स, और अब आपको दूसरे कुत्ते दिखाते हैं, प्लूटो, प्रिंसेस, प्रिंसेस, प्लूटो कम हियर। ये है मेरी हस्की और ये है, इनका नाम है प्रिंसेस, ये फीमेल है। आज इनको नहलाया गया है लेकिन इनको ब्रश अभी नहीं किया है, इस वजह से जो है ये सारे के सारे ये देखेंगे ऐसे गुच्छों में जो है ये बाल निकलते हैं, और ये शेडिंग इनकी होती है, ये तो शेडिंग में जो है ये इस तरीके से इनके बाल गिरते हैं। और एक और जो मेरा डॉग है दैट इज प्लूटो, प्लूटो कम हियर। ओके जी, ये है मेरे जो एक और कुत्ते हैं, ये है एक गोल्डन रिट्रीवर, और इसको जो है वो रिट्रीव करने का इतना शौक है कि कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली इसको बॉल की पड़ी होती है, इसको कोई फिक्र नहीं है। प्लूटो सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट, यस यस यस, इसको बॉल से इतनी मोहब्बत है, इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि कोई इसकी बॉल को नहीं छेड़ सकता है, कोई इसकी बॉल को टच नहीं कर सकता है, बस इसको बॉल से खेलना है। इवन दो कि ये हमारे पास ला के बॉल दे देता है लेकिन फिर हमें छेड़ने नहीं देता। सो यू नो लाइक, अब आपको दिखाते हैं, ओके जी, सो ये है मेरे सारे पेट्स, आपने देखा अंदर बिल्ली भी है और ये सारे इकट्ठे रहते हैं वैसे, और अभी तो बिल्ली क्योंकि वो इतनी सुस्त है वो अंदर ही बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे कुत्ते हैं, लेकिन घर के अंदर जब कुत्ते आते हैं तो वो बिल्ली और कुत्ते और सारे जो हैं वो इकट्ठे रह रहे होते हैं और कोई उनमें मसला नहीं होता है, तो बड़े अच्छी हारमोनी के साथ, यूनिटी के साथ रहते हैं। तो ये थे आज मेरे यू नो पेट्स जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर हिट करें, फीडबैक दें और ज़रूर मुझे बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बाय।